आने वाले कुछ ही महीनों में भारतीय रेलवे कई शहरों को बड़ी सौगात दे सकती है। भारतीय रेलवे जल्द 5 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है, जिससे कई शहरों के लोगों को आने जाने में सहूलियत होगी। इन वंदे भारत ट्रेनों को कोच फैक्ट्री चेन्नई में तैयार किया गया है और ट्रेनों का परीक्षण भी करीब करीब पूरा हो चुका है। लेकिन इन 5 वंदे भारत ट्रेन को किस रूट पर चलाया जाएगा, अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। हिंडन एयरपोर्ट से जल्द ही कई शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू हो सकती है और उसके लिए एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत जारी है। फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट से लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज के लिए उड़ान शुरू होने की संभावना है, लेकिन इन उड़ानों के लिए एयरलाइंस कंपनियों के साथ सहमति नहीं बनी है। तो वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से कोलकाता, बेंगलुरु, गोवा के लिए उड़ान शुरू हुई थी, जिसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी पहले नजदीक के शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करने की कोशिश कर रहा है। अक्टूबर से पैन एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा। फिलहाल आधार का एनरोलमेंट नंबर देने से भी पैन एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाता है, लेकिन अक्टूबर से ये सुविधा बंद हो जाएगी। बता दें कि एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पैन बनाने की सुविधा 2017 से दी जा रही है। वहीं मामले को लेकर सरकार का कहना है कि आधार के एनरोलमेंट आईडी से एक से ज्यादा पैन जनरेट हो सकते हैं, जिसे धोखाधड़ी की आशंका माना जा रहा है। अगस्त में अगर आप भी बैंक का काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए काम की खबर है। दरअसल अगस्त महीने में 13 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। 13 दिनों की छुट्टी में सभी रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार की भी छुट्टी शामिल है, यानी कि 2 दिन वीकेंड के कारण और 7 दिन त्योहारों के कारण बैंक बंद रहेंगे। और इसलिए अगर आपको भी बैंक से कोई काम है तो छुट्टी की लिस्ट देखकर ही आप आगे की प्लानिंग करें। अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर, फ्लैट और दुकान लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर। आम बजट में इस बार सरकार ने करोड़ों रुपए आवंटित कर दिए हैं, जिसके बाद डीडीए ने ऐलान कर दिया कि अगले 2 साल में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हजारों फ्लैट बनाए जाएंगे और लोगों को सस्ती दरों पर फ्लैट मुहैया कराए जाएंगे। डीडीए के मुताबिक फ्लैट की कीमत 20 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक हो सकती है। Zee News.